हैप्पी बर्थडे गोलू मुराद। हेलो गाइस, आज हम लोग सभी लोग अज्जू महाराज का बर्थडे मनाने आए हैं। तो आप सभी लोग बहुत ज्यादा प्यार बांटे और बहुत ज्यादा दुआएं दे हमारे महाराज को और बहुत तरक्की पाए और एक ना एक दिन आपका और हमारा सबका नाम करे। धन्यवाद। आपका हमारे आज के न्यू ब्लॉग में, और सनी आया था केला लेने। सनी आज ये पूरी ठिलिया खरीदेगा, देख सकते हैं है? तो गाइस देख सकते हैं, जैसा कि आप, हम लोग यहां पर केला खरीदने आए हैं। इस बार हमने सोचा क्यों ना थोड़ी हटके जन्मदिन मनाया जाए, तो हमने सोचा आज केला खरीद के और सभी लोगों को केला बांटते हैं। तो गाइस आप हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, आगे चल के हम आपको दिखाते हैं इन केलों का क्या करते हैं, किसको बांटते हैं, किसको देते हैं। और गाइस अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगे तो आप लोग भी करके देखिएगा, बड़ा सुकून मिलेगा इस काम में। और मैं तो कहता हूँ हर किसी को जन्मदिन ऐसा ही मनाना चाहिए जैसा कि आज मैं कोशिश कर रहा हूँ मनाने की। अगर ऐसा सफल रहा तो मेरा हर जन्मदिन इससे भी ज़्यादा अच्छा बेहतरीन होगा। और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत की है, अगर ये सक्सेस रहा तो इससे भी ज़्यादा भव्य तरीके से आगे चल के काम करेंगे। तो गाइस जैसा कि हम लोग अपने हनुमान टोरिया में आ चुके थे और हनुमान जी के दर्शन करके प्रसाद चढ़ा चुके हैं, उसके बाद हमने शुरू कर दिया केले का वितरण करना। अब एक एक करके हम लोग सबको केले देंगे और कम पड़ेंगे तो और भी खरीद के लाएंगे। अभी तो फ़िलहाल काफ़ी हम लोग केले खरीद कर ले आए हैं, पर्याप्त मात्रा में हमारे पास स्टॉक है। और आप हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा और सपोर्ट बनाए रखिएगा। अगर आप लोगों का ऐसा ही प्यार मिलता रहा तो आगे चल के हम लोग बहुत ही अच्छी अच्छी ब्लॉग लाएंगे। और फिलहाल तो अभी हम लोग केला बांट रहे हैं, आगे चल के और भी कुछ बांटने वाले हैं। अगर आपको हमारा पूरा ब्लॉग देखना हो तो हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाली है। कुछ हटके करने की कोशिश की गई है इस ब्लॉग में। और अभी हम लोग हनुमान टोरिया में हैं, जैसा कि आपको पता ही है हमारे छतरपुर में सबसे प्रसिद्ध मंदिर हनुमान टोरिया है। तो कुछ भी हम लोगों को करना होता है तो सबसे पहले यहीं पर आते हैं और यहीं से श्री गणेश करते हैं। तो फिलहाल में तो हम लोग सबको केले बांट रहे हैं, आप हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, आगे चल के और भी मज़ा आने वाली है। अभी आगे भी जाएंगे, छतरपुर में भी बांटेंगे। तो जितना हमसे हो सकता है उतना हम लोग पुण्य कमाने की कोशिश करते हैं। और अगर आप लोगों का सपोर्ट बना रहा तो ऐसे ही हम लोग और भी प्रयास करते रहेंगे। कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये ट्रिक कैसी लगी बर्थडे मनाने की। वैसे सभी लोग केक वगैरह काटते हैं, केक तो हम लोग भी काटते हैं, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी से कभी केक नहीं काटता हूँ। भाई लोगों का प्यार और दोस्तों का दुलार, उनकी वो लोग केक ले आते हैं तो केक भी काट लेते हैं। बाकी मुझे सबसे ज़्यादा ये काम पसंद है, ये मेरा बचपन का सपना था कि मैं अपना जन्मदिन ऐसा मनाऊं जैसा कि फ़िलहाल अभी मैं कर रहा हूं। तो अब जा रहे हैं हम लोग नेक्स्ट, देखते हैं और कहां पर हम लोग केले बांट सकते हैं। तो ये आ चुके हैं हम लोग, यहां पर भी बहुत से लोग बैठे रहते हैं, तो अम्मा लोग हैं काफ़ी वृद्ध अवस्था में, इन लोगों को केले देने में बड़ा आनंद मिलता है। अभी दादी बोल रही थी एक जन आए थे कोई ख़राब केला दे गए थे, लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं किया, हम लोग बहुत ही अच्छे, आप भी देख सकते हैं केले की क्वालिटी के किस प्रकार की क्वालिटी है। ये दादी कह रही थी अभी एक जन आए थे वो ख़राब केले दे गए थे, तो हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग जो भी करते हैं दिल से करते हैं, और जो नहीं हो पाता हमसे वो हम लोग काम ही नहीं करते हैं। हमारा उद्देश्य सीधा रहता है, या तो दो तो अच्छा दो, वरना दो ही मत। तो फिलहाल में जितनी हम लोगों की कैपेसिटी है, जितना हम लोग कर सकते हैं उतना करने की कोशिश कर रहे हैं, और भगवान ने चाहा तो आगे और भी भव्य तरीके से करेंगे ये काम। अभी तो सिर्फ शुरुआत की है, आज पहली बार हमने ये बांटे हैं केले। और जाने दादा, और लो आ मोहन, ये आई मोहन, ये
अच्छे लगते सबको देंगे। अभी और मिलेगा, अभी और आओ, हमें भी चाहिए दो लो, तुम्हें तीन अब मिल गए अभी अंकल। हाँ और सबको दे रहे हैं, सबको देंगे, सबको सबको देंगे, बहुत सारे केला सबको देंगे, सबको यहाँ पे देंगे। और को बच्चों हमारी मम्मी, लो आंटी हमारी मम्मी को अंदर बैठी, अब मिल तो गए, अब इतने बचे रहे अंदर, कोई और के लाना, अब दूसरी चीज दे रहे हैं, ठीक है। अरे वाह, एक एक मिलेगा सबको, दोबारा नहीं, आपको क्या चाहिए, चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट कौन लेगा, और दुई लो, तुम्हें दुई तुम गुस्सा सारा तो मिल गया, इतना बिस्कुट लिए और ये चुप चुप हो जाओ, चॉकलेट खाओगी हैं, इसको भगाओ पहले, इसको भगाओ, लो आपके लिए वाली चॉकलेट गया आपका चीला, अब मिल गए ना, रोज देंगे, ठीक है, कल आएंगे, अब कल देंगे, तो मैं मिल तो गई, बिस्कुट ओनली बच्चे हम नहीं है, अब नहीं, अब कल देंगे, ठीक है, कल फिर से आएंगे। थैंक यू, एक बार जय श्री राम, जय श्री राम, ठीक है, बाय। ले अम्मा केला बच्चे है अम्मा, खाला यो बैग न दियो, अरे हां भाई क्या बैग लो, कब खा लेंगे, हां बड़ी प्यार से कर ले आ रहे, और हला वाला लो, ला ले बच्चे ने हैं, सब खा मिले, जन्मदिन आए मां तो ले आओ, तो मैं जन्मदिन आओ, हम हल्का ही तो नहीं पाते हैं, एक ना तो नहीं, तो और दे तो भी परेशान ना हो, चॉकलेट तो खत्म हो गई, बस केला 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 खाओ, इतना यहाँ पे बांट लगी लड़ियो ना, छोटू उगलाने ले उकेलाने ले जो भी ले जाओ, ये रखा है, अब तो खत्म हो गए, ऐसे खत्म हो गए लास्ट है, लो बिल्लू एक बड़ा ले लिए थे, और हर एक जोर है पैर ले, और ठीक है, आओ बच्चा कहाँ है, स्कूल गए हैं, लो जितनी हैं सब ले लो, कहाँ खोलना भैया बता दे, तो ये जमीन अपनी है सच्ची,
बहुत अच्छा छप नहीं है गाय को बनते हैं। तो इतना बड़ा सरप्राइज मिलता हुआ बहुत अपने बर्थडे पे मेहनत कर रहे देख लो। हाँ देख लो हाँ ये तो फुलाए आवाज पवनदेव गुस्सा हो रहा है कि कैसे हमारे रहते हुए तुम गारा गारा बोल देखो जी अब हवा चल रही देखो यार वो रोटी नहीं रहे एक फूट अगा रुक का रुकने की बात तो ठीक है तो किस्मत बुराई है। और मोहन ए मोहन है ना लगा मोहन बाप ऐसा मोहन ए मोहन
लो शबन भैया आप खबा अज्जू भैया आप भी खवाइए ठीक है। तुझी भी सामने आओ गाड़ी भी सामने ठीक है। देखो इतने देख लो तुम्हें आओ बहुत महंगा गिराना देवी और तू बचू बस को नहीं बचू मोहन रील बनी आओ आई मिस यू मोहन जुदाड़ू जुदाड़ू जिया जिनू को नाम ने कहा मोहन जुदाड़ू ओम श्री राधे। तो गाइस केक खत्म कौन करता है देखते हैं आज कौन सबसे ज्यादा केक खाता है। तीन ही सब आटो सनी खुशी भैया हैं हम तो ब्लॉग बना रहे हैं हमारी न मानीजिए। आंटी जी ने फिर चश्मा लगा लो यार चश्मा नहीं खा रहा ऐसा नहीं खेल ले ज्यादा ले लो तू का भैया ने पूरा पूरा मतलब दोबारा हो जाए खा तुम खा पहले फिर हम खा भी भग गए जिस तुम उसे वाला वाले लाटे नहीं भग गए। इस बार का ब्लॉग बहुत भव्य एडिट हुए वालो आज हम मन लगा के एडिट कर भी गाइस देख सकते हैं बर्थडे बॉय का कोई केक नहीं पूछ रहा है खुद ही खुद लपेड़ में लगे हैं केक खा रहे बिल्कुल भोजन की तरह हमें कोई पूछ ही नहीं रहो हम ठहरे गरीब आदमी हमें यार बचाओ तनक मनक ना बचाओ हुआ है हम वही तो सोच रहे कब मोबाइल दो हम बना के लो दिखाओ पकड़ो देखिए सही में बंद हो गई चेक करो खुल गई चलो बंद करो ऐसे नेहा का कारण को होत हुए गए वे भी तो है छोटी चालू ए आराम से खा कैसा है हम भी वाली रील बना ले का मुझे लंबी उम्र की दुआ ना दो जितनी साल में मरने वाला हूँ जितनी गुजरी ना गवार गुजरी बैठा लो हमारे यहाँ से खाओ ही नहीं है ऐसा थोड़ी होता यार एक बार और मन है रान दो झूठी ना बोलो गाइस लाइफ में पहली बार पूरा केक खत्म हो रहा है बिना किसी बर्बादी के नहीं बहुत बड़ी दिखा रहे हैं बर्बादी देखो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है जा है बर्बादी गाइस सुनो हमारी पहले सुनो गाइस ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की हमने आज तक में किसी ने आज तक पूरा केक नहीं खा पाया है फेंक देते हैं कुछ लोग मुँह में क्रीम की तरह पाउडर की वो मेकअप की तरह पोत लेते हैं
जैसा कि आप पिछले ब्लॉग में अभी देख चुके हैं, गणेश लगाने की जिद कर रहा था लेकिन हमने लगाने नहीं दिया था, कसम धर रही थी मताई की। जो हलवा सो बन गए ले ले हम दिखाएंगे एक तो सुबह इतना ले ये थे सोने इत पे सही कह रहा किसका आ देख बार के देवा नीचे तो पीछे कर लो ना। अच्छा और आगे करने चलो जय श्री राम 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 ऑटो स्टॉप ऑटो हैंड ब्रेक कौन होता है। तो गाइस हम लोगों की जान है रिक्स में, तो बोलो जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय ब्रह्मदेव बाबा, जय छठी माता, जय चंडी माता। तो ठीक है मोहन की बुराई कर रही, ब्लॉग बन रहो मोहन जो इतनी चला ले संग गाड़ी नहीं तो ड्राइवर ढूंढत फिरते अपन। अरे तो हम लोग कितने रईस हैं, हम लोग टमाटर खा रहे हैं दो ढैया दर दो। तो खुशी की इच्छा थी कि हमें टमाटर खाना है, बिना टमाटर के हम खाना नहीं खाएंगे, तो खुशी ने स्पेशल ये मंगाए टमाटर, बहुत महंगे पड़ेंगे आज हम लोगों के ये टमाटर। कितने रुपए किलो है? 200। हाँ सोशल मीडिया में चल रहा है 200, बाकी हैं तो 100 रुपया की भी। कितने चल रहे? 160। टमाटर के, टमाटर की गम में रो रहे देखो बेचारो। ना रो खा लो एक एक टुकड़ा तो मैं भी दे दे अभी। ना रो शांत हो जा। काय देहो सनी का टमाटर ना देहो, देखते हैं। यार मोहन की बड़ी याद आ रही है। हैं मोल भाव कर ले तो गाइस कढ़ाइया भर के आ गई दार, मुझे आ गई रोटी। भोजन हो गए, मुझे पैसे सौ को मिश्री खा के आ गया, हमारा लगा भाई नहीं है तो कहे कितने बना हो तू बता नहीं है तुम ना का 14 रुपया। गाइस 5000 का खाना खाया आज हमने, क्योंकि खाने में टमाटर थे। टमाटर रहते भाई साहब, टमाटर ही टमाटर की सब्जी खाई आज। आओ गाइस हम लोगों ने खाए टमाटर टमाटर की सब्जी, अब आप समझ सकते हैं हम लोग कितने रईस हैं, वजनदारी हमेशा ऐसे ही रहेगी, चाहे लोन पे लेने पड़े टमाटर लेकिन टमाटर की सब्जी खाए गए। एक दुकान वाले फाइनेंस की सुविधा दी टमाटर की। कहाँ? अच्छा घर चल, चलो गाइस तो अब जा रहे हैं हमारे घर। हम चलाएंगे गाड़ी। बताओ कैसी फीलिंग आ रही? समझ गए होंगे। अगर जो कोई देखे ना वो इतना हंसे सही है इस फीलिंग में। तो मौत के कुएं में जा रहे हैं हम लोग। का फीलिंग आ रही? फीलिंग से बोल रही है ना, देखियो माई देखो माई इतना देखो यही से कह रहे मजा आ रहा। मजा आ रही किसी के दरवाजे पत्ता मन्ने का माई से। हाय बना सनी बना दो आड़ी में, आड़ी में बन रहा किने रोक दई किसी ने कितनी देर पहले बता दी तुमने गाड़ी रोक दई। हम बता नहीं रहे खिड़की के बाहर से देख रहे हैं, कांच से तो ठीक है, कांच से तो समझ में नहीं आ रहा। डबल कांच हो यार ना डबल।
आज जैसे तो मैं निकाल लो कि रिहाओ निकलो हमें निकालने निकलने वाले को कौन रोक सकता है हम देखो नए इंडिकेटर था तुम भी दे हम भी दे अभी परेशान ना हो हम भी दे ये ऐसा एंटी की तरह भाई पर चालू हो गया कैसे सिखाइया अगर उस साइड को उगे तो अपन परछा ही देख के पता चल जाए कि गैया को देखे तू आ रहा टेम्पू खड़ी टेम्पू के तो पता चल जाता अपन का इतनी आसन को अपने आप पे आके फैल जाता पापा ने आप सिखाई पापा तो सब चला लेते